ओके स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं थर्मोडायनामिक में, कुछ और बचे हुए चीजों को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद थर्मोडायनामिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनामिक में कंसेप्ट आता है एंथैल्पी का, एंट्रोपी का, और समझाता हूँ क्या होता है थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक का मतलब तो अब तक पता ही चल गया होगा क्या होता है, हीट से होने वाला मूवमेंट, हीट से होने वाले मूवमेंट को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। अगर हीट की वजह से किसी भी चीज में मूवमेंट हो रही है तो उसे हम थर्मोडायनामिक। तो इसी थर्मोडायनामिक में एक कंसेप्ट आता है एंथैल्पी, क्या कहते हैं इसको एंथैल्पी। एंथैल्पी को हिंदी में कहते हैं उष्माधारिता, उष्मा मतलब हीट, धारिता मतलब धारण करने वाला, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें कि भाई एंथैल्पी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंथैल्पी पूछी जाती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी एंथैल्पी बताती है। क्या कहा मैंने, कैपेसिटी टू होल्ड द हीट। एंथैल्पी क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड द हीट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा, एंथैल्पी बताएगा। एंथैल्पी जैसे अगर मैं कहूं एक लोखंड है, आयरन, ठीक है, उसको मैंने गर्म किया, ठीक है, आयरन लोहा को मैंने गर्म किया, और उसके बाद वहीं पर प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैंने गर्म किया, तो कौन सी चीज जल्दी से ठंडी हो जाएगी और कौन सा टाइम लेगा। हाँ प्लास्टिक तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना, और जो ये रहेगा अपना आयरन रहेगा, आयरन और यह प्लास्टिक, आयरन काफी टाइम तक गर्म रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन है इसकी एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये हीट को काफी लंबे समय तक क्या कर रही है, पकड़ के रख रही है, समझा। आयरन, आयरन हीट को काफी लंबे समय तक पकड़ के रख रही है, इसलिए हम कहेंगे अगर पूछेगा कि प्लास्टिक और आयरन में इसकी एंथैल्पी ज्यादा है तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो अधिक समय तक हीट को पकड़ के रख सके, यानी क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो हम देखेंगे प्लास्टिक जल्दी से ठंडा हो जाएगा और आयरन जो है जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्या। हाँ देखो कभी भी हमको पता है कि जो ब्लैक बॉडीज होते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि चारकोल का, ब्लैक बॉडीज अपने अंदर हीट को ज्यादा ट्रैप करते हैं। जैसे काला कपड़ा, काला कपड़ा हम लोग अगर गर्मी में पहन के निकलेंगे तो हमें ठंडी लगेगा या एकदम गर्मी से मर जाएंगे, गर्मी लगेगा, क्यों, क्योंकि तो काला कपड़ा वो काला दिखता है इसलिए क्योंकि वो आने वाली हीट की सारी, लाइट की सारे वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वहां से कोई भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर नहीं पड़ता, इसलिए वो काला दिखता है। यानी एक लाइट है, लाइट के अंदर 7 कलर होंगे, वो 7 कलर उसके अंदर घुस जाते हैं और जिससे वो हीट को बढ़ाने लगता है, समझ में आया, जिससे क्या होता है हीट को बढ़ाने लगता है वो कपड़ा। तो काला चीजें या हम यूं कहें ब्लैक बॉडी की एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। ब्लैक बॉडी की एंथैल्पी क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर पूछेगा कि बताओ एंथैल्पी किसकी अधिक होगी और उसमें दिया रहेगा ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की एंथैल्पी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, ब्लैक बॉडी की एंथैल्पी अधिक होगी, अधिक होगी। अच्छा देखो एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का, एच इज इक्वल टू ई प्लस ई बी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू
ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। एच क्या है? तो एच है एंथैल्पी, एंथैल्पी। ई क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर। और वी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर एंथैल्पी का फॉर्मूला पूछे क्या होगा, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। ओके, अच्छा देखो, अगर हम किसी भी सरफेस को ना खुरदुरा कर दें, खुरदुरा कर दें, तो उसमें हीट बढ़ने की क्षमता, मतलब कि उसमें ना उसके हीट को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे जैसे कोई एक प्लेट लेना, कोई भी चीज लेना, उसमें ना ऐसे मार मार के, मार मार के गड्ढा कर देना, उगड़ खाना। और कोई प्लेट लेना जिसको एकदम साइन कर देना, मतलब एकदम पॉलिश कर देना, और इनके ऊपर लाइट को डालना। जब खुरदुरे के ऊपर लाइट पड़ेगी ना, तो ये खुरदुरे के इधर उधर में पड़ के लाइट टकराने लगेगी और काफी एरिया में क्या होगी, टकरा के फैल जाएगी। और जबकि जो एकदम पॉलिश वाला है उस पर आएगी और सीधा चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो, जो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं उनमें हीट होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और खुरदुरे सरफेस में हीट होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर कहेगा कि बताओ रफ सरफेस का एंथैल्पी ज्यादा होगा या स्मूथ सरफेस का, रफ सरफेस का, ठीक है, रफ सरफेस का जो एंथैल्पी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ मैक्सिमम एंथैल्पी किसकी होती है? ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी की। इसलिए जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल एक तरीके का परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना जाता है, लेकिन दुनिया में, मतलब ऐसे अर्थ पर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ब्लैक होल के अंदर अगर वहां से पास से लाइट गुजरती है ना, तो लाइट को भी बेंड कर देता है। जबकि हम लाइट या वेव वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइट वाले में, तो उसमें बताऊंगा कि लाइट न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी चार्ज के आजू बाजू से चले जाए वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, वो सीधा ही स्ट्रेट भागते हैं। सीधा अगर लाइट जाएगा तो सीधा ही जाएगा, वो इधर उधर ऐसे ऐसे, मतलब कि इधर जा रहा फिर ऐसे चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा उसमें। लेकिन जब वो ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं ना, मान लो कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है, और मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, तो ब्लैक होल के पास जाएगी तो ऐसे लाइट जाएगी, या फिर वो ऐसे आकर के ऐसे कर्व होके ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशन पुल इतना अधिक होता है ब्लैक होल का, ये इसे खींच लेता है। समझ में? हाँ, ठीक है, तो इतना समझ में आया क्या? ब्लैक बॉडी के, ब्लैक होल के पास से जब लाइट जाती है तो क्यों कर्व हो जाती है, बेंड हो जाती है? वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ओके, अब देख इसमें पूछता है कि भाई अच्छा बताओ कौन से मटेरियल की जो एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। देखो इसमें जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड की एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। समझ में? हाँ, ये सीक्वेंस याद रखना, एंथैल्पी में सॉलिड की एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। क्लियर हो गया एंथैल्पी क्या है, समझ में आ गया? ओके, अब हम चलते हैं, समझते हैं एंट्रोपी, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहते थे हमने, उष्मा धारिता, तो एंट्रोपी को हम कहेंगे उष्मा हानि, एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या हो जाएगा? उष्मा हानि, क्या उष्मा हानि, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट कितनी जल्दी लॉस हो जा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी बताएगा।
मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो जाहिर सी बात है ठंडा भी होगा, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट से उसकी, जैसे मान लो ये है आयरन लोहा, अब इसको मैंने गर्म किया तो ये गर्म हुआ होगा और कुछ समय तक मैं देखूंगा कि भाई गर्म होने के बाद मान लो कि ये 10 मिनट लिया ठंडा होने में, ठीक है 10 मिनट लिया ठंडा होने में, तो मैं कह सकता हूँ अगर दूसरे और ऑब्जेक्ट के साथ मैं कंपेयर करूँ, जैसे एक और ऑब्जेक्ट मैं ले लूँ कोई एल्यूमिनियम ले लूँगा, ठीक है एल्यूमिनियम, और इसको भी मैंने गर्म किया, इसको गर्म किया और इसने जो है 5 मिनट लिया ठंडा होने में, ठीक है 5 मिनट लिया ठंडा होने में, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि अच्छा ये जो आयरन है इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के, क्यों, क्योंकि ये लेट ठंडा हो रहा है यानी अधिक टाइम तक हीट को कैप्चर करके रख रहा है, लेकिन लेकिन जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है हम कहेंगे उसका जो एंट्रोपी नहीं एंथैल्पी, मैंने यहाँ एंट्रोपी लिखा है, एंथैल्पी हीट को कैप्चर करने की क्षमता क्या कहलाती है एंथैल्पी, ठीक है इसकी एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन इसमें हीट तो बहुत धीरे 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 लॉस हो रहा है ना, हीट क्या हो रहा है धीरे 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 लॉस हो रहा है, तो और एल्यूमिनियम में हीट फटाफट लॉस हो जा रहा है, ठीक है फटाफट लॉस हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी जो एंट्रोपी है एंट्रोपी वो कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंट्रोपी, है ना एल्यूमिनियम की एंट्रोपी ज्यादा है इसीलिए तो जल्दी से ठंडा कर दे रही है। हाँ और इसको समझना है तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लास में अगर दूध लेते हैं, ग्लास में दूध अगर दूध को गरम गरम दूध को वैसे ही छोड़ देंगे तो सपोज करो कि ठंडा होने में 10 मिनट लिया, लेकिन अगर इसी दूध को मैं चम्मच डाल के घुमाने लगूं स्टीर करने लगूं तो क्या तब भी ये 10 मिनट लेगा नहीं, तब ये और जल्दी ठंडा हो जाएगा, या मैं एक ग्लास से दूसरे ग्लास में इसको ट्रांसफर करने लगूं तब ये क्या हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी को हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट करा दें, हम लोग दूध को घुमा रहे थे, घुमाने का मतलब क्या था इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हम लोग मूवमेंट करा रहे थे, है ना, और जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे तो ये अपनी हीट को रिलीज कर दे रहे थे, अपने हीट को रिलीज कर दे रहे थे, तो मूवमेंट इन पार्टिकल कैन इंक्रीज द एंट्रोपी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, मूवमेंट इन पार्टिकल्स कैन इंक्रीज द एंट्रोपी, समझ में आया एंट्रोपी क्या है, सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रोपी सीधा है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो कितने जल्दी लॉस हो रही है और कैसे लॉस होगा, बस उसके मेथड को ही हम क्या कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं, जैसे दूध का मैंने एग्जांपल लिया, दूध को गर्म है नॉर्मल ग्लास में रख देंगे तो ज्यादा समय तक वो गर्म रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, उसकी एंट्रोपी अभी कम है, लेकिन उसको हिला देंगे या एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे वो फटाफट ठंडा हो जाएगा, यानी उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, समझ में, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, और इसमें इसमें पूछता क्या है, एस क्या है, एस है एंट्रोपी, ठीक है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा लगाने का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, टी गिवन हीट और टी टेम्परेचर, समझा, हाँ तो देखो देखो इसमें पूछेगा कि बताओ अच्छा सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या रिलेशन है एंट्रोपी का, किसमें ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा होती है और किसमें कम होती है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, क्यों, क्योंकि हमको पता है जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जितना अधिक होगा एंट्रोपी उतनी अधिक होगी, तो भाई गैस का मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं वो लोग तो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं और गैस धकाधक ठंडा हो जाता है,
जैसे पानी गर्म होने के बाद जब वेपर बनता है तो जैसे ऊपर जाता है तुरंत ठंडा हो जाता है ना। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने तेज नहीं भागते, तो पानी काफी टाइम तक गर्म रहता है। और सॉलिड है वही, तो जो पतेला में गर्म करते हैं वो पतेला और ज्यादा टाइम तक गर्म रहता है कि नहीं। हाँ, तो एंट्रोपी की जब बात करेंगे तो एंट्रोपी में गैस की एंट्रोपी ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। लेकिन एंथैल्पी में उल्टा है, एंथैल्पी में सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में समझ लेते हैं जो इस थर्मोडायनेमिक में पूछा जाता है, कई प्रोसेसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो थर्मल प्रोसेस। देखो आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम। और यहां थर्मल का मतलब क्या है, हीट। ठीक है। अब देखो ये आइसो थर्मल प्रोसेस थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अगर याद होगा तो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। याद है ये फॉर्मूला। हाँ, हमने रोटी वाला एग्जांपल लिया था। हाँ ठीक है। तो देखो आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब हीट। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग टेम्परेचर को फिक्स रखें, टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं करना है, हीट में छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर उसके स्टेट में बदलाव हो जाए, तो कुछ काम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल सीधा सा है। जैसे भाई आइस है, बर्फ, बर्फ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यही बर्फ अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से जब पानी बनेगा तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ हमने क्या इसमें टेम्परेचर में चेंज किया, नहीं चेंज किया, सेम टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ न कुछ काम हो गया। ये पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड स्टेट में चला गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में ओके, आइसोथर्मल। अच्छा, मोमबत्ती जलाया कभी, तो अगर हम मोमबत्ती की बात करें, मोमबत्ती जब पिघलता है, यहां से इसे जब जलता है मोमबत्ती, तो कुछ कुछ मोमबत्ती उसका ये पिघलता हुआ ऐसे नीचे गिरता है ना। तो अगर ये कभी पिघलते पिघलते हमारे हाथ पर गिर जाता है, ये गर्म रहता है कि नहीं रहता है, गर्म रहता है। तो देखो जितना गर्म ये ऊपर वाला पोर्शन रहता है इसका, जो आग से पिघल रहा है, उतना ही गर्म है पिघलता हुआ जो सॉलिड बनता है, आकर के सॉलिड बनता है, उतना ही गर्म रहता है। तो हम देखते हैं कि भाई ये मोमबत्ती धीरे 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 एक सेम ही टेम्परेचर पर, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक पिघला तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तक पिघला तो 20 डिग्री हो गया, यहाँ तक पिघला तो 30 डिग्री हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। सेम टेम्परेचर पर पूरी की पूरी मोमबत्ती क्या होती है, पिघल जाती है ना। सेम टेम्परेचर पर पूरी की पूरी मोमबत्ती पिघल जाती है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, लेकिन प्रोसेस तो हुआ, काम तो हुआ। मोमबत्ती पहले सॉलिड थी, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में। आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। क्या बर्फ जो होता है वो 1 सेकंड में पानी बन जाता है, नहीं। क्या मोमबत्ती रहती है वो 1 मिनट में पिघल जाती है तुरंत, या 1 सेकंड में पिघल जाती है अचानक से, नहीं, धीरे धीरे होती है। तो बर्फ का पिघलना या मोमबत्ती का पिघलना ये क्या है,
ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन काम हो जाता है और ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। समझ में आया? अब उसके बाद एक और प्रोसेस आता है, इसको हम कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट होता है आइसोथर्मल का। इसमें ना जो काम होता है वो बहुत तेजी से होता है, फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट एक्शन। समझाता हूँ, इसमें कोई भी काम बहुत तेजी से होता है और ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पर डिपेंड है, यानी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है? गिवन हीट है ना, गिवन हीट। और डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब बाई द ऑब्जेक्ट है ना, इंटरनल एनर्जी। और W क्या है? वर्क है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हम कोई भी हीट नहीं देते हैं, यानी Q जीरो होता है। जो भी काम होता है ना वो इंटरनल एनर्जी की वजह से ही हो जाता है। जैसे इंटरनल एनर्जी की वजह से कैसे? तो कभी गर्मी के महीने में साइकिल के टायर का फटना देखा है कि साइकिल में हवा भर के रखी हुई है और अचानक से टायर फट गया धड़ाम से, है ना? तो क्या उस टायर को फटने के लिए हमने अलग से हीट दिया था? नहीं, उस टायर के अंदर भरी थी हवा। वो हवा खुद धूप की गर्मी से धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल क्या हुए? गर्म हुए और गर्मी की वजह से जब वो एक्सपांड हुए तो टायर ब्लास्ट कर गया। और टायर जब ब्लास्ट करता है क्या एक टाइम लेता है, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ ऐसे कहता है क्या? नहीं, मारेगा धड़ाक से, आसपास जो बैठा रहेगा डर जाएगा, बाप रे बाप क्या हुआ, एक सेकंड में ब्लास्ट कर जाता है ना। हाँ, तो इसमें बताओ आइडियाबैटिक प्रोसेस कैसा है? एक फास्ट एक्शन है और इसमें हम कोई एक्सटर्नल हीट को नहीं देते हैं, ये अपने अंदर की ही एनर्जी से काम को कर देता है। इसलिए इसमें जो काम होता है, अगर हम ऐसे करें क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू यानी डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वर्क डन क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। वर्क नेगेटिव को दिखाने का क्या मतलब है? कि हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया है, ये अपने आप की एनर्जी से ही क्या हुआ, फट गया है। समझा? अपने आप के ही एनर्जी से फट गया। इसी तरीके से जब हम लोग कभी किसी का बर्थडे आता है तो बलून बहुत सारा सजाते हैं बलून, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कुछ बलून धड़ाक धड़ाक फटना शुरू हो जाते हैं। क्या हम उसे फोड़ते हैं? बच्चे फोड़ते हो वाला नहीं, वो ऑटोमेटिक, वो बलून क्या होता है, फटते रहता है कुछ धार धूर करके। तो बलून भी क्या रुक के फटता है? फुस से फटेगा, फिर फुस करेगा, नहीं, धड़ाक से फट जाता है एक ही टाइम में। क्यों? अपने अंदर की एनर्जी की वजह से, उसके अंदर जो गैस होते हैं वो गैस एक्सपांड करती हैं और बलून फट जाता है। तो बलून का फटना, टायर का फटना, वो क्या है? एक तरीके का आइडियाबैटिक प्रोसेस है। समझ में आ गया इतना? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने एंथैल्पी देख लिया, हमने एंट्रोपी देख लिया, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया और आइडियाबैटिक प्रोसेस देख लिया। इतना क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? ओके। तो अब कुछ चीजें और बची हुई उसको समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट इसमें आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी घूमने की स्वतंत्रता, कोई भी चीज किस किस डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि तुम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती हो, क्या कहलाएगा? तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एक है।
अगर तुम्हारे पास दो डायरेक्शन में घूमने की सुविधा है तो तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और तीनों डायरेक्शन में जाने की परमिशन है तो तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के होते हैं? 3। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री मतलब 1 डायरेक्शन, 2 डिग्री मतलब 2 डायरेक्शन, और 3 डिग्री मतलब 3 डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री मतलब चाहे वो आगे पीछे जा सकता है या ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चाहे एक्स एक्सिस पर जाए या चाहे वाई एक्सिस पर जाए। 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे जा सकता है, और 3 डिग्री में वो एक्स एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे मान लो ये है रस्सी और यहाँ है पोल। ठीक है, पोल। अब इसी रस्सी पर उनको कहा कि चलो चलो तुमको चलना है, इसी रस्सी पर क्या करना है? चलना है। तो बताओ तुम्हारे पास या तो तुम किस साइड में जाओगे? आगे, या तो तुम पीछे जाओगे। क्या इसमें ऊपर नीचे जा सकते हैं? नहीं। तो तुम्हारे पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन वहीं पर मैं कहूं कि कोई ग्राउंड है, क्या ग्राउंड, अब ग्राउंड पे चलना है, तो ग्राउंड पर तो भैया तुम आगे जाना है आगे जाओ, पीछे जाना है पीछे जाओ, लेकिन क्या तुम हवा में तैर सकते हो? क्या नहीं। तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन वही अगर एरोप्लेन पर बिठा दिया जाए, एरोप्लेन बताओ, एरोप्लेन जमीन पर चलता है नहीं चलता है? चलता है। लेफ्ट राइट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हवा में उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है? तो बताओ एरोप्लेन के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अभी इमेज देख लो, ट्रेन है ये, ट्रेन, ट्रेन के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये कार के पास? 2 डिग्री। एरोप्लेन के पास? 3 डिग्री। और पानी में चल रहे सबमरीन के पास? क्योंकि ये आगे पीछू ऊपर नीचू हर जगह जा सकती है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये समझ में आ गया? बताओ गैस मॉलिक्यूल्स के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? हाँ, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहीं भी जा सकते हैं, रैंडम है उनका मूवमेंट, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हुआ। अब एक कंसेप्ट और है इसमें, उसको कहते हैं स्टेफेंस लॉ। क्या कहते हैं? स्टेफेंस लॉ। क्या कहता है ये स्टेफेंस लॉ? ये कहता है कि जितना भी हीट रेडिएट होता है ना, द टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में नहीं आएगा, सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना। ये कहता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के पावर 4 के। जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज उसको बना रहा है, ठीक है, सूरज, सूरज से हीट आती है। कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली एनर्जी ई, की एनर्जी यानी रेडिएशन को उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के 4 गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज होता है, उसे हम कहते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा को हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ज्यादा सवाल पूछता नहीं, इसमें खाली पूछता है स्टेफेंस कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ऑफ 4। ई क्या है? रेडिएशन। और टी क्या है? टेम्परेचर। ई क्या है? रेडिएशन। और टी क्या है?
टेम्परेचर। स्टीफंस लॉ कहता क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो कहता है टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी, टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस, इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बस यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर ऑफ फोर, ये रिलेशन होता है स्टीफंस लॉ का। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सिग्मा, सिग्मा को हम क्या कहते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंट, सिग्मा इज स्टीफन कॉन्स्टेंट, स्टीफन कॉन्स्टेंट। और सिग्मा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो स्टीफन ने डिटरमाइन करी थी, सिग्मा इज इक्वल टू था 5.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर ऑफ 4। केल्विन क्यों, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, किसी भी टेम्परेचर को जब हम केल्विन में लिखते हैं तो वो क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम तापमान, है ना। ठीक है, तो इसका ये या तो इसमें पूछेगा रिलेशन या तो इसमें पूछेगा इसकी वैल्यू विथ डायमेंशन। क्लियर है, वॉट कहाँ से आया, तो भाई एनर्जी, एनर्जी जूल में, वॉट में, एनर्जी क्या होता है पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी होता है पावर का वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक और कंसेप्ट आता है इसमें, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये सिंपल छोटा छोटा सा कंसेप्ट है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो झुकाव होता है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का बस फॉर्मूला याद रखना, कहता है टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस। यानी ये कह क्या रहा है, पहले इसको समझ लो। कह रहा है जैसे दो ऑब्जेक्ट रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट लाल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गर्म है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूं व्हाइट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ठंडा है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, दूरी है, तो ये दूरी डिसाइड करेगा कि इस हॉट वाले का टेम्परेचर यहां पर कितने जल्दी ट्रांसफर होगा, यानी इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में गिरावट, टेम्परेचर में गिरावट। और जब टेम्परेचर गिरेगा तो जो व्हाइट वाले का फ्रंट एरिया गर्म होने लगेगा, फ्रंट एरिया गर्म होने लगेगा, जबकि इधर का एरिया ठंडा ही रहेगा, और इस लाल वाले का ये एरिया धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, और यहां से धीरे 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 टेम्परेचर इधर शिफ्ट होते रहेगा, शिफ्ट होते रहेगा, शिफ्ट होते रहेगा, समझे, और ये फिर इधर की साइड आगे शिफ्ट होते रहेगा। इसमें कुछ नहीं, अब ये डिस्टेंस को जितना हम बढ़ा देंगे टेम्परेचर उतना धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट। दोनों को जितना नजदीक रखेंगे टेम्परेचर उतना जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरी बॉडी उतना जल्दी ठंडी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेम्परेचर ग्रेडियंट में जो है कोई दिक्कत है नहीं। टेम्परेचर ग्रेडियंट को अगर हम ऐसे फॉर्मूले से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा ई अपॉन एक्स डिस्टेंस, एक्स लिखो डी लिखो जो भी लिखो, समझ आ गया। अब देखो एक और लास्ट कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट
एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी किसी भी बर्तन का प्रेशर भी कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहना है, और फिर उसके टेम्परेचर में जो चेंजेस होगा उसको हमें देखना है। तो स्पेसिफिक हीट का पहले मतलब मैं तो समझा चुका हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है, उसके 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन क्या चीज, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है। जैसे हमारा होता है प्रेशर कुकर, कुकर में तो खाना बनाए होगा, हाँ कुकर में हम लोग लीड लगा देते हैं, तो देखो ये वॉल्यूम क्या ऐसा है, खाना बनते टाइम ये वॉल्यूम घट जाता है क्या, नहीं, वॉल्यूम इतना रहता है। और उसके बाद ये ढक्कन बंद होता है तो इसके अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब जब प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है तब ये लीड ऊपर से खुल जाता है और भक 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 इधर से सब गैस निकल जाता है, समझ आ रहा है। तो प्रेशर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसमें हीट बहुत तेजी से बढ़ता है, स्पेसिफिक हीट तेजी से बढ़ जाता है, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। और भाफ, हमें पता है जैसे भाफ में कन्वर्ट होता है पानी, भाफ का हीट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पानी के, और भाप से खाना फटाफट बन जाता है, समझ में आया। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे सीवी से। हमेशा सीपी जो होता है ना वो ग्रेटर होता है सीवी से, प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है वॉल्यूम से, ठीक है, ज्यादा होता है वॉल्यूम से। और जब कभी भी हम लोग सीपी अपॉन सीवी निकालते हैं, सीपी अपॉन सीवी ये हमें देता है सिग्मा, सॉरी क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, सिग्मा नहीं कहते हैं, गामा कहते हैं, गामा। और गामा रिप्रेजेंट करता है पॉइजन रेशियो को, पॉइजन। बस इसमें यही चीज पूछता है कि बताओ सीपी अपॉन सीवी गामा की वैल्यू क्या होगी, सीपी अपॉन सीवी, सीवी अपॉन सीपी, सीपी माइनस सीवी, सी अपॉन सीपी माइनस सीवी, चार ऑप्शन दे देगा और उसमें से ये वाला सही रहेगा, पहले प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वॉल्यूम, जो बड़ा होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसे हम ऊपर रखते हैं। तो सीपी अपॉन सीवी हमें क्या देता है, गामा, और गामा पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, गामा पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया क्या। हाँ, कभी कभी इसी में से ना एक और रिलेशन पूछ देता है, जैसे मैंने यहाँ 3 रिलेशन बताया, कौन कौन से, पहली बात भाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, दूसरी चीज सीपी अपॉन सीवी इज गामा पॉइजन रेशियो, तीसरा चीज देता है मेयर रिलेशन जिसको कहते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, आर आर क्या होता है, आर होता है मेयर रिलेशन, रिलेशन, ठीक है, मेयर रिलेशन। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि मेयर रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस सीवी है या सीवी माइनस सीपी, समझा। बस ये 3 चीजें इसमें याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पर हमारा थर्मोडायनामिक पूरा खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।